हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस पार्ट वाला। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सैड न्यूज है। जो यूपीपीसीएस का आरओ का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, ऐसा न्यूज़ आ रही है कि उसे निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी दादागिरी चली और बहुत सारी आपको जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप देख रहे हैं सीबीआई जांच चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कई और रीजंस हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये एग्ज़ाम है इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब होगा क्या अगर ये सोचा जाएगा कि क्या मतलब जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम कराएंगे? क्योंकि देखिए अभी 2017 का जो है वो प्री आ रहा है आरओ का। तो देखिए इसमें अब ये तो मुश्किल है कि आपको क्या बोलते हैं कि न्यू एग्ज़ाम कराएं। तो होप्स तो ये हम लोग को लगता है कि हो सकता है कि ये जो कमिंग जो एग्ज़ाम है आरओ को उसमें जो वैकेंसीज है उसको बढ़ा दे। तो एक ये जो 2017 में जिन्होंने आरओ का फॉर्म भरा है उनके लिए ये अच्छी बात हो सकती है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है। तो मतलब लेकिन ये सोचिए जिनका 2016 में आरओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। और ऑब्वियसली ये सही नहीं है। मैनेजमेंट में यूपी के अभी भी यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ कोई भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहीं कोई इशू। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आयोग को इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों को सही करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लाखों कैंडिडेट्स का जो भविष्य है ना वो बहुत ज़्यादा अधर में है। पर अब यही है कि इसमें जो एस्पायरेंट्स उनको कुछ करना चाहिए, और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। बट अब क्या कर सकते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप बस लगे रहें और प्रिपरेशन करते रहें। डेफिनेटली एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और 2017 का आरओ का आप सबने फॉर्म भरा होगा डेफिनेटली, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, बाय बाय।